कौमी असेंबली का इजलास आज शाम 4 बजे मुनक्किद होगा। इजलास का 35 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। लाहौर सालकोट मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाक़े पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बहस की जाएगी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल और इस्लामाबाद वक्फ प्रॉपर्टीज बिल को मुश्तरका इजलास में भेजने की तहरीक पेश की जाएगी। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से स्टेट बैंक की 2019-20 की रिपोर्ट भी ऐवान में पेश की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ट्वीट, आज हम लाखों बच्चों का स्कूलों में वापसी आने पर खैर मकदम करते हैं। हर बच्चे की हिफाजत यकीनी बनाना हमारी इज्तमाही जिम्मेदारी है। हमने स्कूलों में तदरीसी सरगर्मियों को कोविड-19 के हवाले से सेहत आमा के कवायद से हम आहंग बनाने का बतौर खास एहतमाम किया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी पर भारतीय नाजमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज के रक्स सेक्टर पर बिलाई से फायरिंग से 11 साल बच्ची शहीद और 4 अफराद जख्मी हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक पाक फौज ने शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान के सरहदी इलाके गड़ियों में एक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द कमांडर एहसान और इसके 3 साथियों को हलाक कर दिया। हलाक दहशतगर्द की वारदातों का मास्टरमाइंड, टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान में भी मुलव्वस है। चेयरमैन सिपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की ट्वीट, तश्कर स्पेशल इकोनॉमिक जोन की डेवलपमेंट के लिए माहदे पर दस्तखत आज होंगे। माहदे पर दस्तखत की तकरीब वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में होगी। चाइना रोड एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का साथ डेवलपमेंट पार्टनर है। फैसलाबाद के बाद तश्कर दूसरा खसूसी इक्तसादी जोन होगा। इस्लामाबाद में नए कमर्शियल शहर की तामीर, सीडीए तर्जुमान ने बताया कि न्यू ब्लू एरिया के तरक्याती कामों का आगाज आइंदा हफ्ते शुरू होगा। सीडीए को पहली बोली की पहले अक्सात अडवांस वसूल हो गई हैं। वसूल होने वाली रकम को शहर में तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। न्यू ब्लू एरिया मनसूबे के लिए अलग ग्रिड स्टेशन पहले ही तामीर किया जा चुका है। मोटरवे पुलिस ने इंसानी स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। मोटरवे पुलिस ने बताया कि 15 से 25 साल के 8 नौजवानों को रावलपिंडी से कोलचा और फिर एराम स्मगल किया जाना था। मोटरवे पुलिस ने मनसूबाबंदी करके चक्री के एरिया में बस को रोक लिया। बस में मौजूद इंसानी स्मगलिंग में मुलविस एजेंट को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मौलाना फजल रहमान की चौधरी शुजात हुसैन की रहायश का बरामद। मौलाना फजल रहमान ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। कोरोना वायरस के तनाव में मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताजा तरीन इदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 539 नए केसेज रिपोर्ट हुए जबकि 4 अमवात हुए। मुल्क भर में कोरोना केसेज की मजमुई तादाद 3,02,002 हो गई। अब तक 2,89,806 कोरोना मुतासरीन सेहतियाब भी हो चुके हैं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ज़ल्मे खलीलज़ाद आला सियासी अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। मुलाकातों में अफगान अमन अमल की आइंदा मराहिल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और
और चीन के वजारत दिफा ने अमरीकी फौज को आर्मी अम के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। चीनी वजारत दिफा ने अपने बयान में कहा कि अमरीका की जानिब से हकायक को झुठलाया गया और इसके दिफा इस्तेदार के मकासद को गलत रंग दिया गया। अस्सलामुअलैकुम, जेएनएन स्टूडियो से मैं हूं आकाशा यासी। नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते चलें, स्कूल खोलने के लिए टाइम टेबल और शेड्यूल जारी। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स बर्वक्त स्कूल्स खोलने और बंद करवाने के पाबंद होंगे। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें, स्कूल खोलने के लिए टाइम टेबल और शेड्यूल जारी कर दिया गया। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स बर्वक्त स्कूल्स खोलने और बंद करवाने के पाबंद होंगे। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जेएनएन न्यूज शिराज अहमद शिराजी। जी शिराज, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल आकाशा, स्कूल खोलने के लिए टाइम टेबल और शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बर्वक्त स्कूल खोलने और बंद करवाने के पाबंद होंगे। 15 सितंबर से 9वीं जमात से इंटर तक क्लास होंगी, 23 सितंबर से 6वीं जमात 8वीं जमात तक क्लास शुरू होंगी, जबकि 30 सितंबर से जमात अव्वल से जमात पंजम तक क्लास का बाकायदा आगाज होगा। इस हवाले से तलबा को दो ग्रुप में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए की क्लासेस सोमवार, बुध और जुमा को होंगी, जबकि ग्रुप बी की क्लासेस मंगल और जुमारात और हफ्ता को होंगी। स्कूल के अधिकार जो है वो सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक होंगे। तमाम सीओज की जिम्मेदारी होगी कि वो स्कूल में एसओपीज पर अमल दरामद करवाए। वक्त की कमी के बायस जो कोर्स है, जो सिलेबस है, वो भी 40% जो है वो कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं उनको भी एसओपीज के मुताबिक जो है अपना शेड्यूल बनाने का बाकायदा हुक्म जो है वो दिया गया है। शिराज, हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा कितनी शिफ्ट में क्लासेज होंगी और ये भी बताइएगा कि तलबा को स्कूल खुलने के हवाले से खुशी का इजहार किस तरीके से कर रहे हैं। अच्छा बिल्कुल आकाशात, तलबा को दो ग्रुप में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए की क्लासेस जो है वो सोमवार, बुध और जुमा को होंगी, जबकि ग्रुप बी की क्लासेस जो है वो मंगल, जुमरात और हफ्ता को होंगी। और इस हवाले से तलबा जो है उनमें खुशी की लहर होगी कि वो दोबारा स्कूल की जो रौनक है वो बहाल हो गई है, कैफेटेरिया की रौनक है और फिर जो है प्ले ग्राउंड की रौनक है वो दोबारा बहाल हो गई है। तलबा जो है वो एक मरतबा फिर से एक लंबे गैप के बाद अपने साथियों से मिलेंगे, साथियों से मुलाकातें होंगी, उनकी कंबाइंड स्टडी जो है वो होंगी। तो तलबा जो है लेकिन बहुत कुछ दिखाई दे रहे हैं। शिराज, ये भी बताइएगा कि डेली बेसिस पर कितने शिफ्ट होंगे। डेली बेसिस पर हमारे से हमारी बात हुई तो महकमा तालीम के एक सीनियर अहकार का कहना था कि चूंकि तलबा को ग्रुप में तकसीम किया गया है तो तलबा की तादाद जो है वो कम होगी, तो इसीलिए डेली बेसिस पर जो है एक ही शिफ्ट का इनका किया जाएगा और एक ही शिफ्ट में तलबा जो है वो आएंगे और अपनी क्लासेस जो है वो लेंगे। बहुत शुक्रिया शिराज अहमद शिराजी तफसीलात से आगाह करने के लिए। फिर वक्त के लिए इतना ही, मजेदार खबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहें जेएनएन न्यूज़।